अस्सलाम वालेकुम, गौसी अली है और वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कलरफुल करना बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जैसे हमारे पास एक इमेज है, ये फ्लावर है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में, ओके। तो अब हम लोग डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे और इसमें हम लोग जो है इस फ्लावर को जो है हम लोग कलरफुल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। पहले बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे, देन क्रिएट न्यू लेयर, ओके। क्रिएट न्यू लेयर, देन अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, क्रिएट न्यू फाइल और एडजस्टमेंट लेयर, देन यहाँ पे सॉलिड कलर्स पे क्लिक करूँगी और कोई भी कलर यहाँ पे मैं ले लूँगी। मैं ओके करती हूँ, देन यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करती हूँ, इसको प्रेस करके कंट्रोल आई प्रेस करूँगी, ब्लैक हो जाएगा। देन यहाँ पे अब मुझे जो है यहाँ पे जो कलर अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ब्रश टूल लेती हूँ, यहाँ पे ब्रश टूल लेकर अब मैं यहाँ से इसके ऊपर करूँगी। पहले यहाँ पे इन्वर्सली इसको करना है, देन यहाँ पे मैं अब कलर अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, देन इसको थोड़ा सा ओपेसिटी लो करके, देन इसको अब मैं पहले मैं कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस कर लूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे मैंने कलर ले लिया है, तो अब ये देख रहे हैं आप, बहुत ध्यान से आपने ये कलर करना है, ओके। देन आपने ये जो है फ्लावर को ये कर लिया, ओके। ये वाइट फ्लावर था, इसको हमने पिंक कलर दे दिया है, ओके। अब आप कोई सी भी इमेज ले लें, मींस किसी भी फेस का, किसी भी पर्सन का, आप मेल फीमेल बच्चों का, जिनका भी फेस लेकर उनको स्किन टोन देना चाहते हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं। और अब आपने इसी तरह से ये डिफरेंट जो है इमेजेस लेकर इनके ऊपर कलरिंग करते रहना है। अब ये जो हमारे पास वाइट फ्लावर था जो ब्लैक बैकग्राउंड में था, इसको मैंने पिंक कलर में, जो वाइट फ्लावर है इसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, मैं ये साइज़ बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए, ओके। मैंने अपनी आउटलाइन कर ली है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ये कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, ओके। अब मैं जैसे ही डबल इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें फ्लावर का कलर डार्क होता जा रहा है, ओके। अब आपको जितना लाइट करना है, डार्क करना है, उतना कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे ओपेसिटी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब आपको एक और भी करना है, अब ये आपने ये फ्लावर का कलर दे दिया है, देन अब जो है यहाँ पे सॉलिड पे जाना है। एक सेकेंड, हम पहले क्रिएट न्यू लेयर करेंगे, देन इस पर क्लिक करके सॉलिड कलर पे जाना है। सॉलिड कलर में कोई सा भी कलर लेंगे, ओके करेंगे और कंट्रोल आई क्या है कि ये वाइट कलर था उसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना है, ओके, इन्वर्सली करना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर, देन अब ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ एंड देन यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। आपने ये कलर्स बाहर नहीं जाने देने हैं, मैं आप लोगों के लिए ये जल्दी जल्दी कलर्स कर रही हूँ। और अब आप ये इनका प्रोसीजर देखें, स्टेप्स फॉलो करें और डिफरेंट इमेजेस लेकर उस पर कलर्स अप्लाई करें। अच्छा, अब ये मेरे पास यहाँ पे ये हो गया, अब ये इस तरह से मेरे पास कलर हो गया है। कंट्रोल नेगेटिव करती हूँ, अब ये मेरे पास जो फ्लावर था ब्लैक एंड वाइट में वो मेरे पास यहाँ पर जो है पिंक ग्रीन बैकग्राउंड देन पिंक फ्लावर हो गया। अब मैं कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करती हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे ओपेसिटी जो है बिल्कुल कम लेकर
अब मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। अभी ओपेसिटी से आपने देखा है ये जो ग्रीन कलर जितना डार्क शो हो रहा था उतना अब ये लाइट शो हो रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको ये कर लेती हूँ। मुझे अब यहाँ पे अब बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले के मुकाबले में। ओके, देन ये हो गया है। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और इसको प्रेस करती हूँ। अब मेरे पास ओपेसिटी मैंने यहाँ पे 28 रखी है। देन फ्लावर पे मैं इसको लाइट कलर करना चाह रही हूँ, तो अब ये थोड़ा सा बेटर आ रहा है। सही, अब मैंने ये ओके किया। अब आपने डिफरेंट जो है इमेजेस लेने हैं, डिफरेंट पर्संस के फेस लेने हैं, डिफरेंट मेल्स फीमेल्स के फेस लेकर आपने यहाँ पे जो है उनके ऊपर कलरिंग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलरफुल इमेज में कन्वर्ट करना है। और वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा।